वेणी बुला रहा कोई भी फोन ये कोई बुला रहा दिखाना भाई साहब टिकट दिखाना है ये भाई साहब बिना पंच की टिकट ये बिना पंच की टिकट ले रहा है जी देखो कनेक्टर बिना डिपो की पंच की टिकटें बेची जा रही है और ये पीछे भी गया दूध में मारो इसके और ये बिना टिकट पंच करे टिकट पाट के दे रखे हैं उसने। एक रोडवेज का जो अपाइज किस्म का आदमी है जो मेडिकली अनफिट है जो ड्यूटी नहीं कर सकता उसके नाम बक्सा इशू करके किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया और वो 8321 गाड़ी पे चढ़ा दिया यहाँ से हिसार से और पानीपत के लिए वो जा रहे हैं। 3.5 लाख लगभग 3.5 लाख रुपए की टिकटें जो है उसके नाम कर दी और उसने एक भी टिकट यात्री को नहीं दी, तमाम का तमाम फ्रॉड कर लिया। जब कंडक्टर ड्राइवर कोई 200 रुपए के फ्रॉड में अगर पकड़ा जाता है तो ये रूल बना रखे है रोडवेज के डायरेक्टर जनरल ने कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज की जाए। कमी दिख रही है, किसकी कमी दिख रही है? ये सरकार की, प्रशासन की, अपने नंबर बनाने के लिए जानबूझ के किया गया घपला है। ये अनजाने में हुआ घपला नहीं है, हो सकता है इसमें 50-50 किया गया हो कि भाई याद दे तेरे याद दे मेरे, तो हो सकता है इसमें 50-50 किया गया हो कि भाई याद दे तेरे याद दे मेरे, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्सल लाइव। प्रिय दर्शकों, मैं इस टाइम बस स्टैंड पे हूँ, एक मसला आ रहा है। क्या है पूरा मसला मैं सारी बात करूंगा। एक रोडवेज के कर्मचारी मेरे आगे खड़े हैं, टिकट का मसला बता रहे हैं, सारी बात करता हूँ जी। बताइए क्या है पूरा मसला? ये 28-29 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में यहाँ के जनरल मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर ने सरकार को नंबर बनाने के लिए एक रोडवेज का जो अपाइज किस्म का आदमी है जो मेडिकली अनफिट है जो ड्यूटी नहीं कर सकता उसके नाम बक्सा इशू करके किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया और वो 8321 गाड़ी पे चढ़ा दिया यहाँ से हिसार से और पानीपत के लिए वो जा रहे हैं। 3.5 लाख लगभग 3.5 लाख रुपये की टिकटें जो है उसके नाम कर दी और उसने एक भी टिकट यात्री को नहीं दी, तमाम का तमाम फ्रॉड कर लिया। जब कंडक्टर ड्राइवर कोई 200 रुपए के फ्रॉड में अगर पकड़ा जाता है तो ये रूल बना रखे है रोडवेज के डायरेक्टर जनरल ने कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज की जाए। हमारी ये साझा मोर्चा की मांग है कि यहाँ के जनरल मैनेजर, यहाँ के ट्रैफिक मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए कि इसमें कौन कौन दोषी हैं और उन दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको तुरंत निलंबित किया जाए और तुरंत यहाँ से इनका तबादला किया जाए, जो भी एक्शन होता है तो उसको तुरंत किया जाए और ऐसे ऐसे और भी उच्च स्तरीय जांच की जाए। हो सकता है किसी और के नाम भी बक्सा इशू करके इन्होंने बाकी रूटों पर भेजे हो जो सरकार की पकड़ में ना आए हो। ये तो सफीदों डिपो में हमारे कर्मचारियों ने इस फ्रॉड को पकड़ा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये आपको मैंने इसमें आपको दिखाया है। आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, एविडेंस भी है कि आपके पास? एविडेंस ये आपके व्हाट्सएप पर आया है, आप सोनीपत जी डिपो डिपो से नंबर दे देंगे हम आपको, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई भी किया है और आपके हमारे व्हाट्सएप पर ये आया भी है, वीडियो कॉल भी आई हुई है, गाड़ी नंबर भी 8321 आई है, तो ये इसमें सारा तथ्य भी है। आप इसको खोल के आपके पास हम भेज देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए तो एक बार नाम बता दीजिए, किस पद पे हैं आप? मैं राजवीर सिंधु हूँ, मैं रिटायर्ड स्टोर परचेज ऑफिसर हूँ और रोडवेज कर्मचारी उनका पूर्व प्रधान रहा हूँ जी। तो बताएंगे इतने बड़े जो घपले हो रहे हैं कहाँ कमी दिख रही है, किसकी कमी दिख रही है? ये सरकार की, प्रशासन की, अपने नंबर बनाने के लिए जानबूझ के किया गया घपला है। ये अनजाने में हुआ घपला नहीं है, हो सकता है इसमें 50-50 किया गया हो कि भाई याद दे तेरे याद दे मेरे, तो आज रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर ड्यूटी छोड़ के हड़ताल पर बैठा है और वो लोग रोडवेज को बेचने पर तुले हुए हैं। इसलिए रोडवेज के कर्मचारी की मांग है कि इस की तुरंत जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इसके में जांच पर आशंका है, किसी बड़े अधिकारी से उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए। GMTM के संज्ञान में डाली है ये बात? GMTM के संज्ञान में है, ये वहाँ के सफीदों के डिपो के कर्मचारियों ने कन्फर्म किया है टेलीफोन करके कि ये आपकी गाड़ी आई है
और ये इसी पे इस पे फ्रॉड है। जीएम कह रहे हैं कि मैंने नहीं भेजे, अब जीएम मना कर रहा होगा उनके सामने, लेकिन वो बक्सा किसी ने तो इशू किया है। कोई तो सरकारी कर्मचारी, जनरल मैनेजर, सरकार का रिकॉर्ड, ऐसे बैंक का रिकॉर्ड जैसा है हमारा, ऐसे थोड़ी चली जा सकती है। हमारी टिकट भी तो रुपया है, तो वो किसी ने इशू किया। जो भी इसमें दोषी बनता है उसके खिलाफ तुरंत FIR करके कुछ क्षेत्रीय जांच की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे 3.5 लाख, 3.5 लाख बताया आपने, 3.5 लाख की टिकटों का इशू किए हैं उसके नाम, 3.5 लाख टिकट कितनी बची हो बताइए, क्या बता, लगभग 3.5 लाख की बता रहे हैं वो, जैसे इन्होंने बताया बक्सा है उसके पास, कितनी बेची हैं कितनी नहीं बेची हैं वो तो उसका बक्सा ट्रेस करेंगे तब उसका पता लगेगा कितनी बची हैं, कितनी बकाया है या कितनी दे दिया, कितना फ्रॉड है। लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट है वो सारे की सारी फ्रॉड है कि एक भी टिकट उन्होंने नहीं काट रखी। तो सुना आपने दर्शकों, ये बताया जा रहा है कि अभी तक एक भी टिकट नहीं काटी गई है, और ये जो अभी मसला है अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मगर मैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आगे जो इनकी जांच होती है उसके बाद इस खबर की पुष्टि करेंगे, मगर अब तक यही आरोप लगाए जा रहे हैं, हम आरोप बता सकते हैं, ये सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये इनके कर्मचारी के हाथ में एक वीडियो भी है, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहे नक्सल के साथ, आपको ऐसे ही मैं आगे वीडियो दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।